कॉपी पेस्ट बॉलीवुड की तरफ से आ चुका है एक और कॉपी पेस्ट वाला गाना। दोस्तों मार्केट में आ चुका है अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी का एक और गाना जिसका नाम है नाजा। नाजा एक पंजाबी गाना है जो कि बहुत ही आइकॉनिक है, जिसको हमने सुना है वो यहाँ हमारे दिल में बसा हुआ है। इतना टैलेंट भरा हुआ है बॉलीवुड में, फिर भी बॉलीवुड ओरिजिनलिटी के नाम पर क्या करता है, रिमिक्स वाला काम। मूवीज तुम उठाते हो साउथ से, अब गाने उठाने लगे हो पंजाब की इंडस्ट्री से। जब पंजाब के किसानों को आपकी जरूरत थी तब आप कहाँ थे, अंडरग्राउंड होकर बैठे थे, पता नहीं कहाँ छुपे हुए थे। जब गाने उठाने की बात आई तो फटाफट से गाने उठा लिए, जब सपोर्ट करने की बात आई तो फटाफट गायब हो लिए। वैसे तो अकीब आजी की हम बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, ही इज अ सेल्फ मेड स्टार, पर यार कॉपी पेस्ट वाला काम यार सूर्यवंशी जैसी बड़ी बजट वाली फिल्मों में, हैवी लेवल वाली बजट फिल्मों में कॉपी पेस्ट वाला काम, ओरिजिनलिटी के नाम पर कोई भी क्रिएटिविटी नहीं हो रही है। गाने बना दिए मतलब तीन गाने कॉपी पेस्ट, आप सोच रहे हो मतलब इतना लेवल का कॉपी पेस्ट, मतलब कोई फोटोकॉपी वाला काम चला रखा है क्या। इधर यार अंतिम में सलमान खान यार ओरिजिनल काम लेकर आ रहे हैं और सूर्यवंशी में आप क्या कर रहे हो, कॉपी पेस्ट। दिमाग खराब हो गया यार इसे देख के, इतनी हाई बजट वाली फिल्मों में क्रिएटिविटी के नाम पर क्या पेश किया जा रहा है, कॉपी पेस्ट वाले गाने। खैर कोई बात नहीं, एक नजर डालते हैं गाने पर और करते हैं रिएक्शन को स्टार्ट। तो बने रहिए हमारे साथ एक सेकंड, फटाफट से कर दो जीते भाई के चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों गाना सुनने में तो ठीक ठाक लग रहा है क्योंकि ओरिजिनल सिंगर ने गाया है, म्यूजिक दिया है, तो गाने की इतनी दुर्गति नहीं हुई। फिर खैर कोई बात नहीं, गाने की दुर्गति से याद आया कि यार बॉलीवुड वाले यार मतलब कॉपी पेस्ट, गाने की विजुअल देख के लग रहा था कि बहुत तगड़ा वाला गाना है, पर गाना अगर ओरिजिनल होता ना तो मजा आ जाता। अक्षय कुमार है क्या हैंडसम लग रहे हैं, कैटरीना कैफ गॉर्जियस लग रही है, इतना शानदार लेवल का बजट आप खर्च करो, हेलीकॉप्टर लेके आए हो, मतलब लड़के लड़कियां सब ला के इकट्ठे कर दी, कारें वारे भी ला के इकट्ठे कर दी, क्योंकि रोहित शेट्टी की फिल्म है भाई साहब, थोड़ा सा ओरिजिनलिटी वाला काम हो जाता ना तो मजा आ जाता यार, मतलब मजा आ जाता।
रही बात अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, जबरदस्त लेवल की लग रही है। इन दोनों की केमिस्ट्री हमने थ्रू आउट बॉलीवुड में देखी है, जबरदस्त और अल्टीमेट ही रही है। दोनों के दोनों गजब और शानदार कातिल लग रहे, एकदम जबरदस्त। गाने में सब कुछ एवरेज था। आइला रे आइला एक और इनका रिमिक्स सॉन्ग आ चुका है, जो पहला सिंगल आया था सूर्यवंशी का, वो देखा, उसमें जो म्यूजिक था मजा था, सब कुछ था, पर इस गाने के अंदर वो लेवल का नहीं आया, क्योंकि यार एक ओरिजिनल पंजाब का बंदे ने गाया, पाव धारिया ने, और उसके बाद आप ये देखो यार, उसके बाद हिंदी में आप कोशिश करिए ना, मतलब रिबॉक से रिबुक बना दिया, नोकिया से नोकिया बना दिया, वो वाली स्कीम हो गई यार। मतलब बॉलीवुड के पास यार लगता है दिमाग की थोड़ी सी कमी हो रखी है, टैलेंटेड लोगों के होते हुए भी ओरिजिनल काम नहीं हो रहा है। मतलब यार ये सोच के यार, मतलब क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो तुम। खैर कोई नहीं, गाना ठीक ठाक था, म्यूजिक भी ठीक ठाक था, गाना जिसने गाया वो भी ठीक ठाक बंदा, क्योंकि ओरिजिनल हमको यहाँ 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 बसा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, 5 नवंबर को थिएटर्स में आ रही है पुलिस सूर्यवंशी, लेकर जबरदस्त लेवल वाली फिल्म होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार के तो यार जबरदस्त लेवल वाले स्टंट देखने को मिलेंगे, रणवीर सिंह जो कि बहुत ही रंगीले हैं, और हमारे सिंघम भाऊ आएंगे आपके सामने 5 नवंबर को, जबरदस्त लेवल की दिवाली सेलिब्रेट होने वाली है थिएटर्स में। तो गाइस फटाफट से जाइए, टिकट बुक करिए और 5 नवंबर को पहुंच जाइए थिएटर्स में और देख डालिए फिल्म, और फटाफट से हमारे कॉमेंट बॉक्स में आइए, फटाफट से हमको बताइए कि फिल्म कैसी है। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का हमारा रिएक्शन वाला वीडियो, थोड़ा सा हमने क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि क्रिटिसाइज करना बनता है, क्योंकि ओरिजिनल अगर आप चीज बनाओगे, दूसरी तरफ सलमान खान को देखो, राधे में जो कचरा बनाया था उससे सबक लेकर अंतिम में सब कुछ ओरिजिनल बना डाला, क्या जबरदस्त लेवल के लग रहे हैं। अक्षय कुमार यार हमारे यार आइकॉनिक स्टार है यार, मतलब खिलाड़ियों के खिलाड़ी है, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि यार सेल्फ मेड स्टार है, जो उनसे तो उम्मीद करेंगे ना कि यार ओरिजिनल काम लेके आओ यार, हमको कॉपी पेस्ट बनाने की क्या जरूरत है, क्या मतलब लाइनें वाइनें खत्म हो गई इनके गानों की। खैर कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद में शायद इन लोगों को अकल आ जाए और हमारा वीडियो इन तक पहुंच जाए, क्योंकि आप लोग हमारी मदद करने वाले हो, फटाफट से वीडियो को इतना शेयर कर डालो कि इन लोगों के पास पहुंचे और ओरिजिनल काम अपना तरीके वाला बनाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक सेकंड मिल जाएंगे अगले वीडियो में, पहले कर दो भाई के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ, बाय। एक सेकंड गाइस, हैप्पी दिवाली एडवांस में।